हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्री डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं NCERT मैथ्स की प्रश्नावली 5.8 आज पढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे एक से लगा के 6 तक के प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। और इनमें आप दो प्रमेय पढ़ेंगे, एक तो रोले का प्रमेय क्या होता है इसके बारे में भी देखेंगे, और माध्यमान प्रमेय, दो चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं रोले का प्रमेय और माध्यमान प्रमेय क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको 3 स्टेपों के अंतर्गत चलना पड़ेगा तब रोले का प्रमेय लगता है, और 3 स्टेपों के अंतर्गत चलना पड़ेगा तब माध्यमान प्रमेय लगता है। तो क्या क्या 3 स्टेप्स होते हैं, कब आपका रोले का प्रमेय लग सकता है। पहली चीज, जो भी फलन है वो उस अंतराल पे सतत होना चाहिए, और फिर जो फलन है वो अवकलनीय भी होना चाहिए, और फिर आपको जो भी फलन दिया गया है उसमें आप एफ ए और एफ बी रखेंगे, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए, तब रोले का प्रमेय लग सकता है। और रोले का प्रमेय क्या है, एफ डैश सी बराबर 0 होता है, ये है रोले का प्रमेय। और माध्यमान प्रमेय की बात करते हैं यदि, तो फलन सतत होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, ये दोनों तो बिल्कुल सेम गुण हैं, लेकिन यहाँ एफ ए एफ बी बराबर थे, यहाँ बराबर नहीं होने चाहिए। यदि बराबर नहीं है तब माध्यमान प्रमेय लगता है, और माध्यमान प्रमेय का फार्मूला होता है एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए होता है। जैसे देखते हैं पहला क्वेश्चन है, एक फलन दिया गया है और अंतराल आपको पता है -4 और 2 है, रोले के प्रमेय का सत्यापन आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी आपके लिए फलन दिया गया है उस फलन का पहले तो आप अवकलन ज्ञात करेंगे, देखते हैं अवकलन ज्ञात हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एक्स वर्ग का करेंगे 2x होगा, और 2x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए अवकलन तो ज्ञात हो सकता है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है अवकलन हो सकता है, मतलब अवकलनीय है। और एक चीज़ बताऊँगा, कोई भी बहुपद जो होता है वो बहुपद हमेशा क्या होता है, सतत होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि दिया गया फलन जो है अंतराल -4 2 पर जो है कैसा है, फलन जो है इस पर सतत है। सबसे पहली बात तो आप ये लिखते हैं, सतत है तथा, ठीक है। और फिर यहाँ पे जब आप अवकलनीय की बात करते हैं तो अवकलनीय के लिए आपको छोटे कोष्टक लगाने होते हैं, विवृत अंतरालों का प्रयोग करना होता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का प्रयोग किया जाता है। इस वजह से आप यहाँ पे -4 और 2 के लिए जो है आप छोटे कोष्टकों का प्रयोग करेंगे, लेकिन सतत के लिए बड़े कोष्टक का, क्योंकि इसमें बराबर लिया जाता है। तो सतत है और इस पर जो है अवकलनीय भी है, दो चीज़ें हमने लिखी कि फलन जो है सतत है और अवकलनीय है। अब देखिए फिर आपको क्या निकालना होता है, हमने बताया था एफ बी निकालना है और एफ ए निकालना है, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। एफ -4 निकालेंगे हम और एफ 2 निकालेंगे, दोनों के आंसर चेक करेंगे क्या एक से आते हैं या नहीं आते हैं। तो सबसे पहले हम एफ -4 निकालेंगे, मतलब एफ एक्स की जगह -4 रखेंगे, 2x की जगह -4 रखेंगे, और -8 लिखा आप आगे सॉल्व करते हो, तो यहाँ -4 का स्क्वायर करोगे 16 होगा, 4 × 2 = 8 होगा, 8 यहाँ भी है, मतलब यहाँ पे आंसर 0। अब एफ 2 ज्ञात करते हैं, मतलब x की जगह आप 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर होगा, फिर 2 × 2 रखेंगे, -8 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ भी हो जाएगा 4, 4 + 4 - 8 होगा, यहाँ भी आंसर 0 आएगा। आप देख सकते हैं कि एफ -4 का आंसर 0, एफ 2 का आंसर भी 0, मतलब आप कह सकते हैं एफ ए और एफ बी कैसे हैं, बिल्कुल दोनों बराबर हैं। और यही हमने नियम बताए थे रोले के प्रमेय में, कि यदि तीनों नियम फॉलो हो जाते हैं, कौन कौन से तीनों नियम, कि फलन सतत हो जाए और फलन अवकलनीय हो जाए और एफ ए एफ बी बराबर हो जाए, तब रोले का प्रमेय होता है एफ डैश सी बराबर 0। तब रोले का प्रमेय क्या होता है, एफ डैश सी बराबर 0। अब एफ डैश सी यहाँ पे देखिए, जब एफ डैश एक्स का मतलब 2x + 2 है, तो यहाँ एफ डैश हम सी की बात करेंगे, तो यहाँ 2c + 2 होगा, 2c + 2 होगा बराबर में 0, और यहाँ से c का मान निकालते हो तो फिर आएगा 2c = -2,
और सी बराबर आएगा माइनस वन। अब देखिए जो भी आपका सी का मान आता है वो इस अंतराल के बीच में आना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्योंकि सी का मान जो माइनस वन आ रहा है वो बिल्कुल बिलोंग करता है माइनस फोर और टू वाले अंतराल में बिलोंग करता है, क्योंकि माइनस टू माइनस फोर और टू के बीच में ही तो आता है माइनस वन, ठीक है। और यदि सी का मान बिलोंग करता है अंतराल में तो हम कह देते हैं इस प्रकार रोले के प्रमेय का सत्यापन होता है, रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित फलनों में रोले का प्रमेय लागू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको बताना है रोले का प्रमेय लागू हो सकता है नहीं हो सकता है। हमने तीन शर्तें बताई, तीनों शर्तें होनी चाहिए लागू, तब ही जो है रोले का प्रमेय लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स बराबर ब्रैकेट एक्स है। अब ब्रैकेट जब एक्स है तो हमें पता है, हम ब्रैकेट एक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, महत्तम पूर्णांक फलन होता है ब्रैकेट एक्स, मतलब जो भी संख्या इसका आंसर होता है वो दशमलव के बाद वाली संख्या को हटा देता है, केवल पूर्णांक के रूप में आंसर होता है। तो यहाँ पे देखा था हमने इन सवालों को, जब ब्रैकेट वाले सवालों को सॉल्व किया था तो ब्रैकेट वाले जो सवाल होते हैं वो सतत नहीं होते हैं और अवकलनीय भी नहीं होते, और यहाँ पे भी ब्रैकेट वाला सवाल है तो ये जो है सतत भी नहीं हो सकता है और अवकलनीय भी नहीं हो सकता है। तो अपने लिखा कि फलन जो है सतत एवं अवकलनीय नहीं है, अतः फलन में हम रोले के प्रमेय को लागू नहीं कर सकते हैं। और इसमें भी यही बात कि ब्रैकेट एक्स जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है सतत एवं अवकलनीय नहीं होता है, अतः जो है फलन में रोले का प्रमेय नहीं लगाया जा सकता, ठीक है ना। दो पहला सवाल और दूसरे सवाल में बिल्कुल यही बात आपको लिखनी होगी, तो पहला दूसरा सवाल तो इसका हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरे सवाल की बात करते हैं, तो इसमें कहा गया है एक फलन है एक्स वर्ग माइनस वन अंतराल ये दिया गया है, तो आपको ये बताना है क्या जो है इसमें रोले का प्रमेय लागू हो सकता है या नहीं हो सकता। तो एक चीज़ देखिए, आपके पास एक बहुपद दिया गया है, बहुपद जो है हमेशा क्या होता है सतत होता है, और इसके अवकलन की बात करें तो इसका अवकलन भी तो हो सकता है, तो मतलब फलन सतत और अवकलनीय दोनों है, सतत एवं अवकलनीय तो हो जाएगा। अब देखिए सतत अवकलनीय हो गया, अब आपको क्या निकालना होगा, एफ वन निकालना होगा और एफ टू निकालना होगा। अब एफ वन निकालते हैं मतलब एक्स की जगह वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर होगा माइनस वन, मतलब आंसर जीरो। टू रखते हैं तो टू का स्क्वायर होगा माइनस वन, मतलब फोर माइनस वन थ्री आएगा। अब आप देख सकते हैं चूंकि हम कह सकते हैं चूंकि एफ वन बराबर नहीं आया है एफ टू के, और जब ये बराबर नहीं आया है तो आपको नियम पता होगा कि बराबर नहीं आया तो माध्यमान प्रमेय लगता है, तो इसमें बात की जा रही है रोले का प्रमेय लग सकता है कि नहीं लग सकता है। जब जे बराबर नहीं है तो आप कह देंगे अतः रोले के प्रमेय को लागू नहीं किया जा सकता है, तो लिखा रोले के प्रमेय को लागू नहीं किया जा सकता है। देखिए अगला सवाल दिया गया है तीसरा, कि एक जो है फलन एफ है माइनस फाइव से लगा के फाइव तक अंतराल है और रियल नंबर्स पे डिफाइन है, एक सतत फलन दिया गया है, पहले से पता है फलन सतत है और एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, जब शून्य नहीं होता मतलब अवकलनीय है, क्योंकि शून्य नहीं हो रहा मतलब अवकलनीय है। सिद्ध करना है आपको कि एफ माइनस फाइव बराबर नहीं होता है एफ फाइव के, मतलब आपको माध्यमान प्रमेय की बात करनी होगी तभी ये बात होती है सिद्ध। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल माध्यमान प्रमेय जैसा सवाल करना होगा। अब यहाँ पे देखिए हमने नियम लगाया कि फलन सतत है एवं अवकलनीय है, क्योंकि यहाँ सतत दिया गया और शून्य नहीं हो रहा मतलब अवकलनीय है। अब ये बात हमें सिद्ध करनी है तो हम माध्यमान प्रमेय का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये बात माध्यमान प्रमेय में ही सिद्ध हो सकती है, तो हमने माध्यमान प्रमेय लगाया माध्यमान प्रमेय से। अब माध्यमान प्रमेय क्या होता है, नियम आपको पता है, माध्यमान प्रमेय क्या होता है, एफ डैस सी बराबर होता है एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए, जे होता है नियम। अब यहाँ पे एफ डैस सी तो आपको पता नहीं है, तो एफ डैस सी हमने जाके ता लिखा है, और फिर एफ बी की यदि हम बात करें
तो एफ बी क्या होता है आपके लिए पता होना चाहिए। एफ बी मतलब एफ बी, बी यहाँ ए जे है और बी जे है, मतलब एफ बी मतलब एफ फाइव हो जाएगा, एफ फाइव, और माइनस एफ माइनस फाइव होगा, और बटे बी माइनस ए मतलब पाँच, माइनस माइनस पाँच करेंगे आप यहाँ पे, और आगे सॉल्व करते जाएंगे तो एफ डैश सी जो है आपके लिए मिल जाता है, यहाँ पे एफ फाइव मिल जाएगा, माइनस एफ माइनस फाइव मिल जाएगा, और यहाँ पे पाँच और पाँच दस हो जाते हैं, तो दस का आप यहाँ पे चाहो तो इंटू भी कर सकते हो, तो 10 इंटू हो जाएगा एफ डैश सी। इसको समीकरण एक का नाम दे देते हैं। अब चूंकि हमें पता है कि जब भी हम माध्यमान प्रमेय लगाते हैं तो एफ डैश सी का मान जो है 0 नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके लिए ये बात बताई गई है कि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, इसका मतलब है एफ डैश सी जो है 0 नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन में बताई गई एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, मतलब एफ डैश एक्स का मान 0 नहीं आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, जब इसका मान रख दिया जाएगा, या फिर यहाँ पे 10 ही आप समझ लीजिए, तो एफ डैश सी का मान ये है एफ फाइव माइनस एफ माइनस फाइव अपॉन 10 बराबर नहीं है 0 के। अभी यदि आप तिर्यक गुणा करेंगे तो एफ फाइव माइनस एफ माइनस फाइव मिल जाएगा, बराबर 10 इंटू 0 हो जाएगा, तो 0 ही होगा। अब देखिए, उस तरफ यदि आप ले जाते हो तो एफ फाइव बराबर नहीं है एफ माइनस फाइव, तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल, माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। तो माध्यमान प्रमेय क्या होता है, देखिए पहली चीज़ तो आपके पास जो भी फलन होता है एफ एक्स बराबर एक्स वर्ग माइनस चार एक्स माइनस तीन है, इसको देखते हैं एक बहुपद है, इस वजह से सतत होगा, अवकलन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, करके देखते हैं। एक्स वर्ग का हो जाएगा 2x, 4x का करेंगे 4 हो जाएगा, और 3 का करेंगे 0 हो जाएगा, मतलब अवकलनीय भी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि फलन जो है इस अंतराल पे, अब अंतराल कौन सा होगा, ए बी, और ए का मान है 1 और बी का मान है 4, इसलिए अंतराल हो जाएगा यहाँ पे, आप कह सकते हैं जो अंतराल होगा वो 1 4 होगा, क्योंकि ए का मान और बी का मान आपको रखना होगा, तो ए बी के मान रख देते तो अंतराल 1 4 बनेगा। तो हमने लिखा फलन जो है 1 4 पे सतत भी है और 1 4 पे अवकलनीय भी है। अब आपके लिए एफ ए और एफ बी निकालने होते हैं। एफ ए मतलब एफ एक ज्ञात करेंगे, एक यहाँ पे रख देते हो तो 1 का वर्ग 4 इंटू 1 किया जाएगा माइनस 3, तो यहाँ पे 1 माइनस 7 माइनस का 6 आएगा। फिर आप ज्ञात करोगे एफ फोर, ज्ञात करोगे तो एफ फोर का मतलब होगा 4 का स्क्वायर होगा, 4 इंटू 4 होगा, माइनस 3 होगा, 16 माइनस 16 होगा, माइनस 3 सॉल्व करोगे माइनस 3। अब दोनों बराबर नहीं आए हैं, चूंकि हम लिख देते हैं कि एफ वन का मान बराबर नहीं आया है एफ फोर के, तो देखिए यही कंडीशन होती है, तीनों नियम लागू हो गए कि सतत भी अवकलनीय भी है और बराबर भी नहीं आते हैं, और यदि ऐसा हो जाता है तब माध्यमान प्रमेय लगता है। तब हम जो है माध्यमान प्रमेय के अनुसार क्या कहेंगे, जो फार्मूला होता है एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए वाला फार्मूला लगा देते हैं, और एफ डैश सी मतलब यहाँ पे सी रख दोगे एफ डैश एक्स में, तो 2c-4 होगा बराबर एफ बी का मतलब है यहाँ एफ ए जे है और बी जे है, मतलब एफ फोर, एफ फोर का मान कितना है माइनस 3, माइनस चिन्ह लगाएंगे, और एफ ए का मान कितना है माइनस 6 है, माइनस 6 हमने रखा, बटे में एफ बी बी माइनस ए, और बी कितना है 4 है, और ए कितना है 1 है, तो 4-1 करेंगे और सॉल्व करते हैं, तो 2c-4 बराबर यहाँ पे देखेंगे 3, और यहाँ पे प्लस के 6 मतलब बचे होंगे 3, और नीचे भी बचे होंगे 3, 3/3 मतलब 2c-4 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, या फिर और आगे आप सॉल्व कर देते हो तो यहाँ 2c बराबर हो जाएगा 5, और सी का मान आ जाएगा कितना 5/2 आ जाएगा। अब सी का मान जो 5/2 आया है, ये आपको चेक करना है कि आपके उस अंतराल पे आया है कि नहीं आया है, तो अंतराल कौन सा था 1 4, तो 1 4 अंतराल के बीच में बिल्कुल आ रहा है 5/2, यदि बीच में आता है तो फिर आप कह सकते हैं कि माध्यमान प्रमेय का सत्यापन होता है, अतः माध्यमान प्रमेय का सत्यापन होता है।
देखते हैं अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप से दिया गया है। इसमें भी आपके पास एक फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर, हमने लिखा एक्स घन माइनस पाँच एक्स वर्ग माइनस तीन एक्स। आप देख सकते हैं कि फलन एक बहुपद है और बहुपद सतत होता है, तो सतत तो है। अवकलन ये देखते हैं अवकलन होता है कि नहीं होता है। एक्स घन का तीन एक्स वर्ग होता है, यहाँ एक्स वर्ग का टू एक्स होगा और टू और फाइव का गुणा होगा टेन एक्स होगा, और थ्री एक्स का वन होता है तो केवल थ्री हो जाएगा। अवकलनीय भी है तो आप लिख देते हैं कि फलन जो है, अब अंतराल था ए बी, ए बी का मतलब है एक तीन अंतराल होगा, तो हमने लिखा फलन सतत भी है और अवकलनीय भी है। अब हम ज्ञात करते हैं एफ वन ज्ञात करेंगे एफ थ्री ज्ञात करेंगे। तो यहाँ एफ वन का मतलब है वन रखते चलना है, तो वन का घन होगा, फाइव वन का स्क्वायर होगा और थ्री इंटू वन होगा, और सॉल्व करेंगे तो वन माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस सेवन आया एक का आंसर। एफ थ्री यदि आप रख देते हो इसमें एफ एक्स में, तो थ्री का घन होगा और पाँच थ्री का स्क्वायर होगा तीन इंटू तीन। अब यहाँ पे देखिए तीन का घन सत्ताईस होता है, तीन का वर्ग नौ पौने पैंतालीस हो जाएगा, तीन त्रिका नौ हो जाएगा, और आप यहाँ पे ऋण के चौवन और धन के सत्ताईस से माइनस के सत्ताईस बचे होंगे। अब चूंकि आप देख रहे हैं एफ वन का मान बराबर नहीं आ रहा है एफ थ्री के, तब आपके लिए तीनों शर्तें लागू हो जाती हैं, सतत है अवकलनीय है बराबर भी नहीं है, मतलब माध्यमान प्रमेय लग सकता है। तो लिखेंगे माध्यमान प्रमेय और उसका फार्मूला, तो यहाँ पे माध्यमान प्रमेय के अनुसार जो फार्मूला होता है वो लगा एफ डैश सी। अब यहाँ एफ डैश जी है एफ डैश, यहाँ पे लेकिन सी के रूप में रखेंगे तो फिर तीन सी वर्ग माइनस टेन सी होगा माइनस थ्री होगा, मतलब जो एफ डैश एक्स है उसमें सी रखा जाए बराबर एफ बी। एफ बी का मतलब है आपके पास बी कितना है तीन है, तो एफ तीन, एफ तीन का मतलब माइनस सत्ताईस है, और माइनस एफ ए, एफ ए का मतलब माइनस सेवन लेना होगा आपको, बटे बी माइनस ए, बी कितना है तीन है और ए कितना है एक है, तो तीन माइनस एक करेंगे, और यहाँ पे तीन सी वर्ग माइनस दस सी माइनस तीन, और यहाँ पे देखिए क्या बचा होगा, यहाँ पे सत्ताईस में से प्लस के सेवन अलग हो जाएंगे, माइनस के बचे बीस और नीचे बचे होंगे दो, और इनको आप सॉल्व करते हैं तो थ्री सी स्क्वायर माइनस टेन सी हो जाएगा माइनस थ्री, यहाँ माइनस टेन बचा होगा, माइनस टेन आप इस तरफ लाते हो तो यहाँ पे हो जाएंगे प्लस के दस हो जाएंगे, प्लस दस और माइनस थ्री आप करोगे तो प्लस के सेवन बचेंगे बराबर साइड में जीरो। अब आप इसके दो गुणनखंड ले सकते हो, ठीक है, दो गुणनखंड यदि आप लेते हो तो एक गुणनखंड आएगा सी माइनस वन और एक गुणनखंड आ जाएगा तीन सी माइनस सेवन आएगा। यहाँ से आप देखो तो सी का मान या तो मिलेगा आपको वन मिलेगा या फिर सी का मान सात बटे तीन मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पे बात की गई थी कि अंतराल जब आपको वन से थ्री लेना है, मतलब छोटे कोष्टक बने वन को शामिल नहीं कर सकते हो और थ्री को शामिल नहीं कर सकते, इनके बीच वाली नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि सी का मान जो वन आया जे तो मान्य नहीं होगा क्योंकि जे इस अंतराल में नहीं आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे सी बराबर सात बटे तीन जो है इस अंतराल में आ रहा है, जो कि अंतराल आपका एक और तीन था, इस अंतराल में आ रहा है। इस प्रकार माध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। अब देखते हैं प्रश्न छठवा, देखते हैं प्रश्न दो में जो हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे उनमें आपको क्या करना है, माध्यमान प्रमेय को भी चेक करना है कि माध्यमान प्रमेय लगता है कि नहीं लगता है। पिछली बार जो है हमने प्रश्न दो जो किया था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि रोले के प्रमेय को जांच करना है कि वो लागू हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे आप चेक करेंगे माध्यमान प्रमेय को। तो माध्यमान प्रमेय की तीनों विशेषताएं लागू होनी चाहिए। तो हमने माध्यमान प्रमेय के गुण समझे थे कि फलन सतत और अवकलनीय होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए एफ ए एफ बी, तब माध्यमान प्रमेय लागू होता है। तो यदि ये तीनों कंडीशन हो गई तब ही माध्यमान प्रमेय लागू हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो ब्रैकेट एक्स है, यहाँ भी दूसरे क्वेश्चन में ब्रैकेट एक्स है, और हमने बताया भी था ब्रैकेट एक्स जो है महत्तम पूर्णांक फलन होता है जो कि सतत और अवकलनीय नहीं होता है।
तो हमने लिखा कि महत्तम पूर्णांक फलन जो ब्रैकेट एक्स से महत्तम पूर्णांक फलन है जो सतत अवकलनीय नहीं होता है, जब सतत अवकलनीय नहीं है तो फिर माध्यमांतर प्रमेय लागू नहीं हो सकता है। दूसरे क्वेश्चन में भी आप सेम यही चीज़ लिखोगे कि फलन जो है महत्तम पूर्णांक फलन है, सतत अवकलनीय नहीं होता है तो माध्यमांतर प्रमेय लागू नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल हो जाएगी कि एक बहुपद दिया गया है, बहुपद तो सतत होता है और इसका आप देख रहे हैं अवकलन भी हो सकता है, एक्स वर्ग का 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे फलन सतत भी है अवकलनीय भी है। तो हमने लिखा फलन सतत एवं अवकलनीय है। अब हमें निकालना होगा f1 निकालना होगा और f2, और j बराबर नहीं होने चाहिए तब लगता है माध्यमांतर प्रमेय। तो f1 निकालते हैं, मतलब यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर -1 होगा 0, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -1 होगा मतलब 3 होगा। अब देखेंगे चूंकि f1 बराबर नहीं आ रहा है f2 के और बराबर नहीं आ रहा तो माध्यमांतर प्रमेय लग जाएगा। तो हम माध्यमांतर प्रमेय लगा देते हैं और उसका फार्मूला लगाते हैं f'c। अब f'c की बात करें तो f'x है 2x, लेकिन f'c की बात हो रही है तो 2c हो जाएगा। और फिर यहाँ fb, fb का मतलब है कितना है 3 है, और fa कितना आया है 0 आया है, और अपॉन में यदि b माइनस ए देखा जाए तो फिर 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1। और यहाँ पे यदि देखें तो 2c बराबर आएगा 3/1 आएगा, बटे में एक आप लिखते हो या नहीं लिखते हो। अब यहाँ से देखा जाए तो सी का मान आ गया है 3/2। अब जो 3/2 आया है वो इस अंतराल के बिल्कुल बीच में आया है, जो कि अंतराल आपको 1, 2 दिया गया था, इस अंतराल के बिल्कुल बीच में आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे माध्यमांतर प्रमेय जो है लागू होता है और सत्यापित भी होता है।